गाइस क्रिश को देखो, क्रिश ने क्या माला पहन रखी है। इसका स्वागत हुआ है ना बरात के साथ अभी, तो इसको मानिए। देखो ये मेरे चाचा जी की ना बेटी है, मेरे कजन चाचा की ये भी बेटी है। और ये देखो क्या खा रही है, ये पता वेज के साथ है ना मटन खा रही है। और ये देखो गाइस, अब मैं बाद में खाऊंगा खाना जो मुझे खाना है। फाइनली मेरे ब्रदर की बरात आ चुकी है, वो आ रही है सामने बरात। तो हेलो गाइस, वेलकम हो चुका है आपका आरजे के एक्सप्लोरर वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि आप जानते होंगे आपके भाई का नाम है राहुल। और गाइस आज ब्लॉग की स्टार्टिंग अपनी राम प्यारी के अंदर बैठने से हो रही है। आज मैं इसके अंदर बैठा हूँ, पता है क्यों बैठा हूँ? क्योंकि क्रिश को अभी स्कूल छोड़ के आया हूँ। सुबह 7 बजे के अराउंड में उठ गया था और क्रिश भी। और गाइस क्रिश को स्कूल छोड़ दिया, अब मैं कबूतरों के लिए लेने जा रहा हूँ बाजरा पक्षियों के लिए। और ये देखो मेरे पीछे कोट भी ऐसे ही रखा है, उस दिन शादी के अंदर गए थे, जब से मेरा ब्लेजर ऐसे ही रखा है। और गाड़ी के अंदर ज्योति का स्टॉल वगैरह भी रखा हुआ है अभी ऐसे ही। और आज भी शेड्यूल मेरा बिजी है, क्यों? क्योंकि आपको पता है उस दिन बहन की शादी थी, आज उसके भाई की शादी है। और जो उसके भाई की शादी है ना, वो अजमल का पार्क में है, मेरे घर के पास में ही है। तो आज हमारी बारात है ना, यहाँ से चल के अजमल का पार्क में जाएगी, मतलब पीतमपुरा रहते हैं ना चाचा जी, तो वहां से आएगी बारात और अजमल का पार्क में जाएगी। और गाइज आज भी मेरे को फैशन क्लब जाना अपना सूट लेने, जो नया सूट तैयार करवाया ना एक, और वो लेने जाना है मेरे को। अभी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, चाय शाय पीने के बाद जाऊंगा। अभी फिलहाल चलते हैं बाजरा लेने कबूतरों के लिए। गाइस बाजरा तो यार मैंने लिया नहीं, पता क्या हुआ, बाजरे के लिए मैंने पैसे निकाले थे 100 रुपीज, वो यार घर पे ही रह गए। और उस शॉप वाले के पास ना, वो अभी सुबह इतनी जल्दी खुली नहीं है कोई शॉप, और उस शॉप वाले के पास ना तो पेटीएम का ऑप्शन है ना फोन का ऑप्शन। तो अब जा रहा हूं सीधा ना घर पर, पहले पैसे लेके आता हूँ ज्योति से, बोलता हूँ मैं वो पैसे दे देगी और फिर बाजरा लेने आते हैं। सो गाइस ज्योति से तो पैसे हमने ले लिए, अब चलते सीधा बाजरा लेने। यार मेरा रोज का जो रूटीन है ना, वो मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं पक्षियों को बाजरा जरूर डालता हूँ गाइस, सुबह मॉर्निंग में उठ के ना मैं पक्षियों को बाजरा जरूर डालता हूँ। वैसे तो मेरे पास स्टॉक में रखा रहता बाजरा, पर है ना यार आज खत्म हो गया, तो आज वही लेने जा रहा हूँ ना फिर मैं अभी। सो गाइस बाजरा तो ले लिया मैंने कबूतरों के लिए। और है ना काफी दिन से है ना मैं पार्क नहीं गया, घर के अंदर योगा वगैरह छत पे, जैसे कि आपको पता है मैं योगा वगैरह करता हूँ, तो छत पे ही मैं योगा वगैरह करी थी, पार्क वगैरह नहीं गया वॉक करने। तो आज मन कर रहा है यार पार्क भी जाने का, क्योंकि है ना शादियों से काफी ज्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है, तो पार्क वगैरह जाना नहीं हो पा रहा। तो आज है ना पार्क भी चलते, थोड़ा वॉक करके आते है पार्क। गाइस फाइनली पार्क आ चुका था मैं, यार काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। ये अजमल का ही पार्क है और यहीं पे मेरे भाई की भी शादी है, मतलब इस पार्क में नहीं, इससे आगे है ग्राउंड है, वो पार्किंग का, मतलब पार्किंग का ग्राउंड है काफ़ी बड़ा, उसके अंदर है शादी। और ये मतलब 4-5 भाग में बटा हुआ है अजमल का पार्क, ग्राउंड बने हुए ऐसे। तो यहाँ पर आता हूँ ना मैं तो वॉक वगैरह करता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो गाइस पार्क के अंदर ना एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा है बजरंगबली का, कितना सुंदर मंदिर है, यहाँ पे पूजा वगैरह भी करते हैं इस मंदिर पे, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे 2 राउंड तो हो गए हैं कंप्लीट, मैंने 2 राउंड ले लिया है अभी और 2 राउंड कम्प्लीट हो गए। पता क्या पहले का मेरा रूटीन कैसा था गाइस, पहले ना सबसे पहले मैं जाता था, सुबह उठता था क्रिश को स्कूल छोड़ने के बाद ना जिम जाता था। तब जिम तो काफ़ी 1 महीना करीब हो गया, 1 महीने से जा नहीं रहा हूँ मैं जिम। और जिम से पहले यहाँ पे आता था मैं पार्क, फिर पार्क छोड़ दिया तो जिम जाने लगा। अब जिम का टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को जाने का, तो घर पे ही वर्कआउट कर लेता, योगा करता हूँ सुबह उठ के, पर आज मेरी योगा भी नहीं हो पाई है। वैसे आपको पता मैं योगा करता हूँ सुबह उठ के, छत के ऊपर अपना मैट बिछा के ना आराम से उस पर योगा कर लेता हूँ, तो आज योगा नहीं हो पाई तो पार्क आ गया। सही है अपना थोड़ा वर्कआउट हो जाती है और क्या। ये लोग बाग फिट होने के लिए अपना रैकेट खेल रहे हैं, भाई सब बड़ा सही लगता है, रैकेट खेलना भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखो कैसे रैकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। इस सबसे पहले पता क्या, अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए, फिट रहना चाहिए। तो यही है, मतलब पहले शरीर को फिट रखो और अपने माइंड को संतुलन के अंदर रखो,
मतलब डिस्टर्ब मत करो अपने माइंड को। मैंने 6 राउंड तो कंप्लीट कर लिए ये 410 मीटर के। अपनी वॉक वगैरह तो हो गई है, अब सीधा चलते हैं घर पर। और घर पर चल के सबसे पहले डालेंगे बाजरा कबूतरों को और थोड़ा बहुत पानी डालेंगे पौधों के अंदर, फिर पीऊंगा चाय। सो भाई घर पर तो मैं आ चुका हूँ और आपको है ना एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैं छत पर जाऊँगा बाजरा लेके, तो आप देखना यार कबूतर है ना पहले ही आ जाएंगे मेरे। जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़ूंगा ना कबूतर आ जाएंगे, तो मैं आपको दिखा दूंगा गाइस। और ये देखो गाइस, जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ ये अभी 2 कबूतर आ गए हैं, अभी और आएंगे देखो ना। ये देखो गाइस 3 कबूतर हो गए हैं और अभी और आएंगे। जैसे ही मैं चढ़ता हूँ ना छत पर ये पहले ही आ जाते हैं। इन्हें पता है ना यार, इनको पता रहता है कि हमें कोई रोज़ खाना खिलाता है तो वो आने वाला है, इनका रूटीन है, इनको भी ये पता है। और ये देखो गाइस आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये ऐसे ही रोज मेरे चढ़ने से पहले ना सीढ़ी आ जाते हैं। देखो गाइस कितने सारे कबूतर हो गए और अपनी छत से सुबह सुबह कर लेते दर्शन वाहेगुरु जी के। और ये देखो सुबह सुबह यहाँ के दर्शन करो ना, मन को शांति मिलती है। और कुछ ऐसा व्यू है अपनी छत से, आपको पता ही है जैसे कि मैं रोज़ दिखाता ही हूँ आपको। यार बड़ा सुकून आता मुझे अपनी छत पे चढ़ के ना, पर सुकून आता नहीं, सुकून मिलता है सॉरी उसके लिए। और सुबह सुबह सनराइज़ कितना अच्छा लग रहा। और कुछ ऐसे ही है अपने छत से भी है ना। पौधों की मिट्टी थोड़ी गीली है तो अभी ज़रूरत नहीं है पानी डालने की, क्योंकि है ना मैंने कल ही पानी डाला था इसके अंदर ना, तो अभी ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में देखेंगे कल डालेंगे इसके अंदर पानी पौधों के अंदर। तो ज्योति जी ले आई हमारे लिए चाय। चाय में क्या लाई है, रस लाई है ज्योति। और ज्योति अपने लिए लाई है चाय, रस और ये नमकीन, क्योंकि इसको है ना खाली मीठा अच्छा नहीं लगता, चाय के साथ ओनली रस खाए नमकीन। तो ये अपनी चाय के साथ नमकीन भी खाती है गाइस सुबह। सो गाइस चाय वगैरह तो मैंने पी ली थी, और पता क्या क्रिश को भी मैं स्कूल से ले आया। अब दोपहर का टाइम हो चुका है, अब दोपहर का मैं लंच खाऊंगा। और दोपहर के लंच में पता है यार ज्योति ने क्या बनाया आज, क्या बनाया, मिक्स वेज राइस बनाया और उसके साथ में मैंने दही डाल ली और चटनी डाल ली और प्याज डाल ली और अचार। भाई मेरे को तो ऐसे पसंद है, चावल के अंदर दही डाल के और प्याज होनी चाहिए जब भी मेरे को टेस्ट आता गाइस। तो करते अब दोपहर के लंच को इंजॉय। अभी का सीन ऐसा है भाई, दोपहर का तो हमने लंच कर लिया था, वेज पुलाव बनाया था, मिक्स वेज पुलाव, बहुत यार टेस्टी बनाया था। आप यार ये क्या हुए कि यार राहुल हर बारी तो ये कहता है टेस्टी नहीं, सच्ची में जो टेस्टी चीज होती है ना वही बताता है। और वैसे है ना ज्योति एक नंबर का खाना बनाती है। और अब का सीन ऐसा है गाइस, मैं जा रही हूँ पार्लर तैयार होने के लिए, वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ, फिर आके मिलती हूँ। सो गाइज अभी का सीन ऐसा है जैसे कि ज्योति ने आपको बताया, ज्योति जा रही है पार्लर। आपको तो पता ही है रात को जाना शादी के अंदर, भाई की बरात है पीतमपुरा में, रेसिडेंस है चाचा का और रेसिडेंस पीतमपुरा में, यहाँ पे बरात है अजमल का पार्क में। तो आज की पार्टी हमारी अजमल का पार्क में जाएगी बरात, और वहीं पे पार्टी होगी हमारी गाइस। और क्रिश अभी सो रहा है और ज्योति चली गई अपना पार्लर में। क्रिश भी उठ चुका है अब सो के। और ये देखो भाई सही सो गया, ये आराम से रात को परेशान नहीं होगा शादी में जाने से, क्योंकि हमें थोड़ा लेट आना होगा ना, क्योंकि मेरे जैसे कि मैं बार बार बता ही रहा हूँ मेरे कजन ब्रदर की बरात है ना, तो थोड़ा लेट आएंगे यार, वहाँ पे रुक के आएंगे थोड़ा। पापा मम्मी कहाँ है? मम्मी बेटा वहाँ चली गई है पार्लर, चली गई मम्मी पार्लर में तैयार होने गई है मम्मी। तो ज्योति चली गई थी पार्लर और क्रिश भी उठ चुका था। अब मैं जा रहा हूँ पटेल नगर अपना सूट लेने, फिर सूट लेके आऊंगा और ज्योति को घर पे लेके आऊंगा, और गाइस फिर चलेंगे सीधा शादी में। तो गाइस पटेल नगर तो मैं आ गया था और मैंने अपना सूट भी रेडी करवा लिया और ये सूट भी ले लिया। अब सीधा चलते हैं ज्योति के पास, या तो उसके पास चलेंगे या घर पे चलेंगे, सीधा ज्योति के पास चलते हैं। उसका मेकअप रेडी हो चुका होगा, मेकअप करा लिया होगा, और फिर सीधा घर पे रेडी होके फिर सीधा पार्टी के अंदर चलेंगे गाइस। पटेल नगर से तो आ गया था मैं अपना सूट लेके, और मेरे साथ क्रिश हैगा। और पता है क्या, अब ज्योति को लेने जा रहा हूँ पार्लर, क्योंकि है ना वो रेडी हो चुकी है और वो मेरा वेट कर रही थी कि कब आओगे कब आओगे। यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था पटेल नगर में, पर अब मैं आ चुका हूँ और अब सीधा लेते हैं ज्योति को। फाइनली ज्योति भी रेडी हो चुकी है पार्लर से, और आज की लुक इसकी कुछ ऐसी है, ये देखो भाई मस्त लग रही है एकदम ज्योति। और है ना ज्योति इस पार्लर से कराती है, इसका नाम इमेज ब्यूटी क्लिनिक है, ये हमारे यहीं करोल बाग में है भाई साहब। एक नंबर का मेकअप करते हैं ये इमेज ब्यूटी क्लिनिक वाले। और है ना ये ज्योति काफ़ी टाइम से कराती है इनसे ना मेकअप वगैरह, जब भी शादी में जाती है इन्हीं से कराती है।
फाइनली मैं तो रेडी हो चुका हूँ और ज्योति नीचे गाड़ी में बैठी हुई है, क्योंकि यार उसका मेकअप हो गया ना और उनने भारी ड्रेस पहन रखी है, वो लहंगा पहन रखा, तो इस मारे आपको पता मेरा फ्लोर ऊपर है तो उससे चढ़ा नहीं जाएगा, तो इस मारे ना वो नीचे गाड़ी में बैठा, वहीं से सीधा पार्टी में चले जाएंगे गाइस। तो चलो गाइस चलते हैं एंजॉय करने शादी को। खाली शर्ट और पैंट पहनी है नीचे, और फिर है ना इसके बाद जब वहां पार्टी में पहुंच जाऊंगा शादी के अंदर, तो वहां ब्लेजर डाल लूंगा अपना। रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, आज भी मेरे साथ मेरी मम्मी जा रही है और क्रिश भी रेडी है और ज्योति मैडम भी रेडी है। और ज्योति क्या कर रही है, इसकी ना यार पर्स में चेन लगा रही है, पहले इसने वो हैंडल वाली लुक रखी थी जो पिछले फंक्शन में थी, आज इसने पर्स की लुक चेंज कर दी है, इसने अब कह रही है हैंडल वाली नहीं, अब ये टांगूंगी इसको, चेन वाली लुक बनाऊंगी इसको। तो गाइस जल्दी से चलते हैं पार्टी के अंदर एंजॉय करने। गाइस फाइनली फंक्शन में हम आ चुके हैं अजमल का पार्क, यार मेरे घर के काफी ज्यादा करीब है, मैंने सुबह भी वॉक पे आया था तो आपको दिखाया था, और कुछ अरेंजमेंट दिखाता हूँ यहाँ का कैसा है। गाइस गाइस अंदर से कुछ ऐसी लोकेशन थी इसकी, और यहाँ पे सारा खाना वाना लग रहा है, और यहाँ पे ज्योति जी बैठी है और मम्मी बैठी है और क्रिश, क्रिश क्या देख रहा, दूसरे की प्लेट में मत झाक, अभी तेरा भी आने वाला, वेटर को बोल दिया मैंने। सो गाइस अभी इसका खाना वाना नहीं आया ना, तो ये ना अभी स्टार्टर्स वगैरह खाएगा, तो ये वहाँ पे दूसरे की प्लेट में झाक रहा है, अभी इस मैंने वेटर को बोल दिया कि वो लेके आ जाएगा अभी क्रिश के लिए, उसको यार आती है ना आपको पता फंक्शन में भूख वगैरह लगती है, तभी लेने गया है वेटर, फिर लाता है और ये खाएगा। अभी तुम्हारा भाई पता क्या खा रहा है, चिकन मलाई टिक्का, और ज्योति ने तो अपनी टिक्की खा ली है, और क्रिश भी चिकन मलाई टिक्का खा रहा है ना, क्रिश तू चिकन मलाई टिक्का खा रहा ना, और ज्योति ने तो, ज्योति तूने तो आलू टिक्की खाई है ना बस अभी, है ना, इस आलू टिक्की तो खा ली थी ज्योति ने, अब पता क्या खा रही है, क्या खा रही है ज्योति, अब खा रही है सांभर वड़ा, साउथ इंडियन डिश। हाँ और भाई यहाँ शादी में सांभर वड़ा भी है, और वो ज्योति का फेवरेट है सांभर वड़ा, और क्रिश अपनी चौमिन खा रहा है। पता ही है मैं तो नॉन वेज खाता हूँ, तो मैंने तो अपना चिकन मलाई टिक्का खाया अभी, और बाकी अभी डिश देखूंगा और क्या 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 नहीं, फिर वही खाऊंगा मैं तो नॉन वेज। उस साइड ना गाइस उस साइड तो रोस्टेड है सारा, और बाकी उधर आलू टिक्की वगैरह ये सब है स्नैक्स वगैरह, और बाकी स्टेज कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा यहाँ का अरेंजमेंट ये आपको दिख रहा होगा, और बाकी यहाँ पे नॉन वेज वगैरह लगा पड़ा सारा। गाइस ज्योति ने जो अभी स्नैक्स वगैरह खाया ना, उसके बाद पता क्या खा रही है, ये देखो मेरे पीछे ये वैस थाली खा रही है, और भाई साहब पता क्या, वैस थाली के अंदर कम से कम 3-4 आइटम मिला के, मतलब मिक्स नहीं करी, करी अलग अलग है, मैं ही लेके आया हूँ, पर कह रही मेरे से कि है ना 3-4 सब्जियाँ ले आओ एक प्लेट के अंदर, तो वो लेके आया हूँ, और वो देखो पीछे इंजॉय कर रही है भाई, इसने पता क्या एक ही प्लेट में मेरे से पता क्या क्या डलवा लिया, 3-4 सब्जियाँ डलवा ली, ये पालक कोफ्ता डलवा लिया और छोले दाल मखनी, और हाँ फिर बार बार जाना नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेटर है ना ढंग से काम भी नहीं कर रहे, तो इसने 3-4 सब्जियाँ डाल ली है इसके अंदर। मैंने तो अपना नॉन वेज खा लिया रोस्टेड जो मुझे खाना था, और ये चिकन फ्राई पड़ा है, अब ये मैं नहीं खा रहा, अब मैं बाद में खाऊंगा खाना जो मुझे खाना। गाइस फाइनली मेरे ब्रदर की बारात आ चुकी है, वो आ रही है सामने बारात, ये मेरे भाई के अंदर एंट्री हो चुकी है, ये दिख रहा होगा आपको, और ये जो इसके साथ में जो बड़ा बड़ा सा बच्चा है ना, ये मेरे चाचा जी का ही बेटा है, कजन चाचा जी का, और ये आपको दिख रहा होगा। तो गाइस क्रिश को देखो, क्रिश ने क्या माला पहन रखी है, इसका स्वागत हुआ है ना बारात के साथ अभी, तो इसको माला पहना दी है, और ये देखो, और इसका बड़ा अच्छा लग रहा है माला पहन के ना, है ना क्रिश, पीएम मोदी है, वो बेवकूफ है क्या। ये देखो ये मेरे चाचा जी की ना बेटी है,
मेरे कजन चाचा की ये भी बेटी है और ये देखो क्या खा रही है, ये पता वेज के साथ है ना मटन खा रही है। और ये देखो गाइस, और इसका नाम पता क्या, रोशनी नाम है इसका। और इसकी ड्रेस देखो यार कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस के अंदर। और इसी की है ना एक और सिस्टर है, ये है इसकी सिस्टर है ना, और इसका नाम है अपूर्वा नाम है इसका। और यार ये देखो कितनी सुंदर है, पता क्या दोपहर को जाके है ना, मतलब मैंने ब्लॉग के अंदर नहीं दिखाया, मैं ही इनको ड्रेस सेलेक्ट करा के लाए हुए हैं ना भाई। किसने सेलेक्ट कराई है ड्रेस, मैंने कराई है ना, सारा क्रेडिट मुझे जाता है ना। सो गाइस क्रेडिट मेरे को जाता है इनकी ड्रेस का, जो ये इतनी सुंदर लग रही है इस ड्रेस के अंदर अपूर्वा। इनको तो जानते होगे, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, ये मेरी बुआ जी है नीना बुआ जी, और ये मेरी दादी जी है, इनकी मम्मी है, ये मेरी कजन दादी जी है भी। और गाइज ये देखो यार कितने स्वीट बेबी है, ये वही बेबी है जिसको मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना, मेरी चाची जी की बेटी है ये। ये कितनी सुंदर लगती है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ये। और इसका नाम जैसे कि आपको पता ही होगा, जो आपने देखा होगा ना पिछले ब्लॉग में, सिद्धि नाम है इसका। और देखो यार कैसे इंजॉय कर रही है आइसक्रीम को ना, कितनी स्वीट लग रही है ये, है ना। और ये इसका ब्रदर है भव्यांश, इसका नाम है भव्यांश। और देखो कैसे दोनों बहन भाई आइसक्रीम खा रहे हैं, और ये क्रिश है ना इनके साथ मस्ती कर रहा है गाइस। ये देखो मेरी बुआ जी है ना क्रिश के साथ एक स्नैप से खिंचवाया है, एक दो स्नैप्स खिंचवाया है। बुआ जी को ना क्रिश बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना यार थोड़ा स्वीट सा है ना ये, इस मारे बुआ जी बहुत प्यार करती है इसको। गाइस फाइनली अब मैं ना डिनर कर रहा हूँ यार, और रात के पता है कितने बज चुके हैं, रात के बज चुके हैं एक, और अब एक बजे डिनर कर रहा हूँ। उसका रीज़न पता क्या है, उसका पता क्या रीज़न है, उसका रीज़न ये है यार, आपको दिख रहा होगा, आपको तो पता ही है मेरे चाचा जी के बेटी की शादी है, तो यार अमीर बंदे तो हम ही हैं, तो उसके साथ थोड़ा बैठे हुए टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इस मारे टाइम ज़्यादा लग गया। वो तो कह रहा था मेरे साथ खाना खाना, पर वो खाना खाएगा 3 बजे सुबह के, पर यार मेरे को तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैं अपना 1 बजे के करीब खा रहा हूँ खाना। ज्योति ने तो खा लिया खाना अपना वेजिटेरियन, और कृष्ण ने भी खा लिया है, पर मैं रह गया था, और मैं खा रहा हूँ अपना नॉनवेज। और नॉनवेज में पता है क्या खा रहा हूँ गाइस, में खा रहा हूँ मैं अपना अफगानी चिकन, और ये मटन कोरमा ये खा रहा हूँ। अभी का सीन पता क्या है, मैंने तो खाना खा लिया, और ज्योति ने भी खा लिया खाना, ज्योति तूने खा लिया ना खाना, और कृष्ण ने भी खाना खा लिया। और पता क्या गाइस, मैंने तो एक बार ही खाया, ज्योति ने 3 बार ही खा लिया खाना, 3 बार ही, कम से कम 3 बार ही खाना खा लिया ज्योति ने। सच बता ना, ना सच बता, सच बता, इसने 3 बार ही खाना खाया, और मैंने खाया 1 बार ही नॉन वेज। अभी का सीन ऐसा है भाई, खाना वाना तो एंजॉय कर लिया शादी में, काफी ज्यादा टेस्टी खाना था, और ज्योति ने भी खा लिया है खाना। अब सीधा जा रहे हैं घर पर, यार बड़ी तेज़ है ना नींद आ रही है, रात के 3 बज चुके हैं, और बड़ी तेज़ नींद आ रही है, और काफ़ी है ना लेट भी हो गए हैं, तो चलो गाइस चलते हैं अब सीधा घर पर। फाइनली घर पर आ चुका था भाई साहब, बहुत मज़ा आया शादी के अंदर, खूब सारा इंजॉयमेंट किया, और गाइस ज्योति ने भी खूब सारा इंजॉय किया है ना, ज्योति कितना मज़ा आया ना, है बता ना, बहुत मज़ा आया है ना। सुबह के बज चुके हैं 3, और अब मुझे आ रही है बड़ी तेज नींद, तब यहीं पर करता हूँ वीडियो का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।